अक्सर देखा गया है कि बिना किसी कारण ही चेहरे पर पिंपल्स निकल आते हैं, डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता है और बिना किसी कारण ही हम लो एनर्जी और सुस्ती महसूस करने लगते हैं। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको अपने बॉडी को डिटॉक्स करने की जरूरत है, यानी अपने शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने की जरूरत है। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, इसे कैसे शुरू करें, डिटॉक्स डाइट और कौन से ऐसे साइन है जिससे कि पता चल सके कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन का अर्थ होता है रक्त शुद्ध करना, या लीवर में मौजूद रक्त को शुद्ध करता है और विषैले पदार्थों को निकालने में मदद करता है। डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा शरीर में गुर्दे, आंतों, फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से विषैले पदार्थों को निकाला जाता है। जब बॉडी के सारे सिस्टम जैसे कि लीवर, किडनी सही से काम नहीं कर पाते हैं तो विषैले पदार्थों को निकालना मुश्किल हो जाता है, जिससे शरीर पर कई तरह के प्रभाव पड़ने लगते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के द्वारा शरीर से विषैले पदार्थ निकल जाते हैं और शरीर को पोषक तत्व मिलते हैं। इससे मानसिक तनाव और शरीर के दूसरे विकार दूर होते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। डिटॉक्स शरीर और दिमाग को स्वस्थ और तरोताजा रखने की प्रक्रिया है। गंदगी सिर्फ हमारे आसपास ही मौजूद नहीं होती बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी होती है, जिसके कारण कई बीमारियां जैसे कि वजन बढ़ना, अनिद्रा, कोल्ड फ्लू, तनाव आदि होने लगते हैं। अगर इन सारी समस्याओं का उपचार समय पर नहीं होता है तो यह गंभीर रूप ले सकती है। सदियों से आयुर्वेदिक तरीकों से शरीर के विषैले पदार्थों को निकालने की कई तरह की विधियों का प्रयोग किया जा रहा है। यह विधियाँ शरीर के अंदर से सफाई करने और शरीर को आराम देने में मदद करती है। विषैले पदार्थ निकालने से आपका शरीर बीमारियों से मुक्त हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटॉक्स कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट अ डिटॉक्स। बॉडी को डिटॉक्स करने से पहले अपने शारीरिक और जैविक विष भार को हल्का करें, यानी कि अल्कोहल, रिफाइंड शुगर, सिगरेट, कॉफी आदि का सेवन रोक दें। यह डिटॉक्सिफिकेशन में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसके साथ ही केमिकल्स युक्त प्रोडक्ट जैसे कि क्लेंजर, शैम्पू, टूथपेस्ट, इन परफ्यूम आदि, इन सारी चीजों का उपयोग कम कर दें और नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करना शुरू कर दें। साथ ही तनाव को भी कम करें क्योंकि यह डिटॉक्सिफिकेशन में बाधा उत्पन्न करता है। तनाव कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन आदि आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिटॉक्स डाइट टिप्स। ये कुछ डिटॉक्स आहार हैं जैसे कि ताजे जूस पर आधारित डिटॉक्स डाइट, चीनी रहित डिटॉक्स डाइट, ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज। डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि विष हरण, इसके कुछ लक्षण होते हैं जो हमारी बॉडी में दिखने शुरू हो जाते हैं। तो वो लक्षण क्या है आइए जानते हैं। हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, इसके लिए हमारा शरीर कुछ लक्षण दिखाता है जैसे कि थकान लगना, आंखों के नीचे स्वेलिंग, पेट फूलना, सुस्त महसूस करना, एलर्जी आदि। हर व्यक्ति को साल में एक बार, कम से कम एक बार शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर जरूर निकालना चाहिए। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि किसी बीमारी के पेशेंट को डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए, बच्चों को, लैक्टेशनल मदर्स को डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन आपके लिए सही है या नहीं, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से जरूर सलाह। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप आगे भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आपको हमारे चैनल का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।